वचन सुना कि चिंता चित से निकल गई, वो झटका लग गया, फिर चिंता चित से निकल गई, हृदय की माँ हर आगे कृष्ण कृष्ण रटते रटते फिर बलवा मंगल घर आ गए। घर आके अपनी धर्म पत्नी को समझाया, सारी बात समझा के कि मैं अब ईश्वर का भजन करूंगा। ईश्वर का भजन करने के लिए जंगल में वनों में निकल जाते हैं, वहां कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। कजरी वन का जिक्र माशा जी ने किया, कजरी वन है कर्नाटक में, माशा जी ने उस जहां तपस्वी लोग रहते हैं, बाबा प्रकाशपुरी जी के गुरु जी थे गुप्तपुरी, वो भी कजरी वन में मिले थे बाबा जी को। उसी कजरी वन का जिक्र जो कर्नाटक प्रांत में है, वहां जाके बलवा मंगल ने कृष्ण भगवान की, नमस्ते जी, कृष्ण भगवान की भक्ति की है और कई वर्षों तक उस माधव की भक्ति करने के बाद एक बार कहते हैं कि नारद जी कृष्ण भगवान के पास गए, निवरे महाराज आज के दिन इससे बड़ा कोई तेरा भक्त नहीं है, हर पल तेरे भजन के अलावा इसको कोई काम नहीं। कृष्ण भगवान हंसने लग जाते हैं, निवला रे ठीक कैसे तू, ये दिन रात मेरा भजन करता है पर पूरा सदा पूरा अधूरा सदा अधूरा, इसका भरोसा नहीं है। निवला जी पूरा भरोसा है, निवला नहीं है, निवला जी पूरा यकीन है। निवला परीक्षा ली जाए के ली जाए, निवला रे नशेड़ी और जार दो तीन हो से इनकी बीमारी मिटती नहीं है, कद्दे भी जाग सके थे। निवला यो जार से इन्हें भजन तो करिया से पर इसकी परीक्षा लिए बगैर इसको पूरा साधु नहीं कह सकते। उसी कजरी वन में रस्ते रस्ते चलिया जा था, बताते कृष्ण भगवान ने अपनी माया से माया भी एक आठ रच दी और बहुत सुंदर युवतियां उसमें भोजन जमाने के लिए ऋषियों को लगा दी। उड़े तो बलवा मंगल निकले था, एक युवती ने कहा कि हे ऋषि जी आप भोजन करिए, निवला पहले स्नान करूंगा। पहले स्नान कराया, स्नान कर कहा निवला भोजन की व्यवस्था आपके लिए तैयार। और जब वह कहते हैं बहुत सुंदर लड़की कृष्ण भगवान की माया थी, थाल में भोजन लेकर आई और उसने जब उसके रूप को देखा, ओए रंग जुड़ गया जो पहले था, वो बीचाली भक्ति डूब गई। वो रोटियां या भोजन का थाल पकड़ने की बजाय उस लड़की का हाथ पकड़ लेता और जैसे ही हाथ पकड़िया वह माया भी लड़की भी गायब हो जाती है, माया भी हाथ जो लगी हुई थी वो महल जो बना था सब खत्म हो जाता। एकदम दवा थड़ा मार के रोया, हे परमात्मा मेरा सारा क्रिया कराया भजन खत्म हो गया, सारा भजन खत्म हो गया। वहीं से संकल्प कर लिया, संकल्प कर लिया, एर कच्चे पिले हुए इस मन कपटी के मटा के लाऊंगा, कच्चे पीले फाड़ जोड़ कपटी के लाऊंगा, फटे हुए इस मन कपटी के मटा के लाऊंगा, कच्चे पीले छोड़ जोड़ के पक्के लाऊंगा, निवला भाई फर्क रह गया। क्या कहा निवला, काचे पीले ठोड़ जोड़ी पाके लाऊंगा और फटे हुए इस मन कपड़ी के टांके लाऊंगा। पहले नंबर पर क्या है, नंद किशोर जी बादली से हमारे गवांडी हैं, छोर पे से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद।
की बन जास कदे कदे निर्लेप कदे मन रोगी बन जास कदे कदे मन रोगी बन जास कदे कदे मन त्याग करे कदे रोगी बन जास कदे कदे मन घर चावे कदे योगी बन जासे कदे कदे मन घर चावे कदे योगी बन जासे अरे पाया पाया मन खरे चुगर दे पाया पाया मन फिरे चुगर दे ना के लाऊंगा बंदे हुए ना के लाऊंगा ओ कच्चे पीने पके लाऊंगा अरे फटे हुए मन कपटी में मैं पके लाऊंगा फटे हुए मन कपटी में टके लाऊंगा संदीप भाई 100 रुपए और देते हैं काफी नाम पहले बार बार धन्यवाद आदरणीय हमारे बुजुर्ग काफी नाम पहले 100 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद राजवीर वाल्मीकि जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद रामधारी जी प्रधान जी माझे जी समिति राजन जी समिति मायना 100 रुपए और देते हैं धन्यवाद श्रीमान जी बहुत सारा इनाम पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद 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 संत की किताब उठा के देख लियो वाणी सुन लियो किसी विद्वान का और लेख देख लियो न्यू कहेंगे मन बड़ा नीच से मन बड़ा बेईमान से मन बड़ा जादू खोरा से मन बड़ा राम से सब के हमसे मन न गाड़ दे क्यों यो रंग बदले है सारे काम यो ही कराओ सबसे ताकतवर चीज इस बॉडी के अंदर ये मन है ये मन से गलत काम करने का टाइम आओगे ये सारा ला दिया करते करते कौन देखा जा करते न काम यो ही करवा देगा करते न करते यो है मन्नु का देरा राम घोरे तो न कर दिया वो काम और जब ये जीव इस शरीर को छोड़ता है तो यो मन न गवाही दे से सब तब न्यू का सम गल्यन था इसने यो कर रहा क्या है यो है गवाही दे से मन लुच्चा बेईमान कमीना मन लुच्चा बेईमान कमीना ऊत गाना हो से जादू बाज छेवड़ा और अब तू तगड़ा हो से जादू बाज छेवड़ा और अब तू तगड़ा हो से ओए मन मगरा मक्कार हरामी तू तगड़ा हो से एक पल मजा चाल बदल यो कमू तगड़ा हो से एक पल मजा चाल बदल रजमान कहे की भूत न छूती रजमान कहे की भूत न छूती रजका के लाऊंगा फटे हुए रजका के लाऊंगा कच्चे पीले छोड़ जोड़ ही तो फटे लाऊंगा श्रीमान जी ने मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं रणबीर जी
मेहंदीपुर गांव के रहने वाले बड़े संस्कृति प्रेमी हैं। 500 रुपए से मान सम्मान और सजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। लागनी हो जब क्यूकर लागे तीसरी कली पे गौर करियो निकला रहे। इस मन की गति ने मेरे सारे वजन का सत्यानाश कर दिया। मैंने इतनी अध्यात्म की जो कमाई करी एक मिनट में सब कुछ बह गया। गलती किसकी निकला रहे? इस आंखों का, इस आंखों पांच इंद्रियां ज्ञान इंद्री, पांच इंद्रियां कर्म इंद्री, निवलाई आंख वाली जो इंद्री है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, निवला आंख वाली आंखों का कसूर है तो फिर सजा भी बोला इन आख्या नहीं मिलनी चाहिए। हाँ भाई के सजा देगा आख्या ने? लालच लोभ नीच घमंड का भरम बजा दूंगा। लालच लोभ नीच का, अरे लुच्ची नंगा नीत खोटी ने सखा मजा दूंगा। लाज आज इन आख्या ने मैं सख्त सजा दूंगा। लाज आज इन आख्या ने लोहे के शरीर कलम गज करके, के शरीर कलम गज करके सके लाऊंगा। बार बार धन्यवाद। बोलना बगौर करियो रे लोगो के कैसे मन पापी ने मार कती बेखोट कसा दूंगा। लालच लोभ नीच घमंड का भरम बजा दूंगा। निवला रे इस लुच्ची नंगा नीत खोटी ने मजा चखा दूंगा। बेलाज आज इन आख्या ने मैं सख्त सजा दूंगा। के करेगा लोहे के शरीर गरम गज करके आज चाके लाऊंगा। दो लोहे के शरीर लिए आग में दोनों लाल सुरख कर लिए, गरम कर लिए, और न्यू के न्यू दोनों आख्यान बैठा लिए, दोनों आंख खोल ली। निवजार इन आंखों की सजा है ये, इन आंखों ने मेरा वजन खत्म करा दिया। ऐसा काम कौन करेगा? ऐरा गहरा नथू खेरा नहीं करेगा। कौन करेगा? जो पूरे गुरु की शरण में होगा, जिसके ऊपर पूरे गुरु का प्रभाव होगा। बोला अमीरस के तो कुंड भरे, अमीरस के तो कुंड भरे संत रहे हैं ना, और साध नीड़े पहुंच गए, पर मूर्ख रीता जा उसने यह बात मंजूर नहीं हुई। नहीं बोला खाली नहीं जाऊंगा, इन आंखें ना खोड़ूंगा, आंख खोड़ ली। चौथे नंबर पर फिर मासी जी के कहे मनुष्य बना दे गधे में सदगुरु काली जैसी हो से। मनुष्य बना दे गधे में सदगुरु काली जैसी हो से। अरे बोलना अरे
रही सी हो से जो सबन है प्यारी लागे बोल अजी जैसी हो से प्यारी लागे बोल अजी जैसी हो से सपन रे प्यारी रे लाग रे बोल अजी जैसी हो से सपन प्यारी लाग बोल अजी जैसी हो से गुरु चरण की धूल खांड कर फाके लाऊंगा समिति के